Hello students, today I am going to explain you biotechnology application in agriculture and specially the next topic is pest resistance plants. इससे पहले आपने insect resistance plant के अंदर BT cotton को study किया था. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि genetically modified जो crops होती हैं उनमें हम किस तरीके से changes करते हैं जिससे कि pest से वो बचे रहेंगे. आप जानते हैं कि अधिकतर plants होते हैं जो पेस्ट का इन्फेस्टेशन उनमें होता ही है और पेस्ट अटैक करके जो भी प्रोडक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं. तो हम किस तरीके से प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करें जिससे कि उस पर पेस्ट अटैक ना करे और अटैक करे भी तो पेस्ट किल हो जाए जिससे कि आपका जो प्लांट है वो बचा रहेगा. तो यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज कर रहे हैं. पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो इसके अंदर एक मैकेनिज्म फॉलो की जाती है और ये मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक या आरएनए इंटरफेरेंस को हम एक नाम से और जानते हैं साइलेंसिंग द मैसेंजर आरएनए. ये टेक्निक किस तरीके से काम करती है इसको पहले आप समझ लें. जो आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्निक या स्ट्रेटजी जो हम फॉलो करते हैं ये सभी यूकेरियोट्स के अंदर मिलती है और एक तरह का ये सेलुलर डिफेंस होता है. सेलुलर डिफेंस से यहाँ पर मतलब है कि अगर कोई भी पैथोजन अटैक करता है यूकेरियोट्स में तो यूकेरियोट्स के अंदर ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक होती है जिसमें डबल स्ट्रैंड आरएनए बनता है और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए कोई भी पैथोजन जो अटैक करेगा उसके आरएनए को साइलेंस कर देता है जिससे कि प्लांट का बचाव हो जाता है. इसी टेक्निक को हम यहाँ पे यूज करेंगे टोबेको प्लांट के अंदर. टोबेको प्लांट जो है उसके अंदर एक नेमेटोड है जिसे हम बोलते हैं मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया. बहुत कॉमन ये नेमेटोड है जो अटैक करता है टोबेको प्लांट्स की रूट पर और उसको डैमेज कर देता है जिससे कि प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो इससे बचने के लिए हम ये नोवल स्ट्रेटजी आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की यूज करेंगे यानी प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे. ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है इसको आप समझिए. प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, निमेटोड के जीन को सेपरेट करते हैं. जो निमेटोड हम यहाँ पे देख रहे हैं मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया इसके एक जीन को हम आइसोलेट करते हैं और ये जो जीन होता है ये इसमें प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, वो प्रोटीन जो इसकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इस जीन को हमने यहाँ पे आइसोलेट किया और ये जीन क्या करता है, ग्रोथ के लिए प्रोटीन का फॉर्म करता है और इस जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टोबेको प्लांट के अंदर. अब ये टोबेको प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, जो निमेटोड है उसके जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है. जैसे ही ये जीन जाएगा प्लांट के अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा. एक्सप्रेस किस तरीके से करेगा, उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से देखिए टोबेको प्लांट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा जिससे एक डबल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन होगा. यहां पर ये बात हुई एक्सप्रेशन की. अब देखिए ये हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है प्लांट यानी इसके अंदर जीन आ गया है किसका, निमेटोड का और डबल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर बन चुका है. अब इन नियर फ्यूचर कोई भी निमेटोड जब इस टोबेको प्लांट के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद जो भी निमेटोड इसके ऊपर अटैक करेगा उसके अंदर उसके नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाएंगे यानी उसके जीन एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे. उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा. ये मैसेंजर आरएनए जो बना ये सिंगल स्ट्रैंड है. आप जानते हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए बनेगा जो कि सिंगल स्ट्रैंड होगा. लेकिन वो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है और उसके अंदर ऑलरेडी डबल स्ट्रैंड एक आरएनए प्रेजेंट है जो कि इस मैसेंजर आरएनए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री. क्योंकि हम एक ही जीन को यूज कर रहे हैं, हम निमेटोड के जीन को ही यूज कर रहे हैं तो इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए होगा वो इसके अंदर मिलेगा. तो ये डबल स्ट्रैंड आरएनए इस पर जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और एक डबल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बना देगा. जैसे ही डबल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बनेगा निमेटोड का यानी ये साइलेंस हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए इनएक्टिव हो जाता है, वो आगे की तरफ वर्क नहीं करेगा यानी उसमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा. निमेटोड के अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो निमेटोड की ग्रोथ नहीं हो सकेगी और वो ऑटोमेटिकली ही हम प्रिवेंट कर लेंगे प्लांट को किससे, निमेटोड से. तो ये पूरी नोवल स्ट्रेटेजी जो है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक है जिसमें हम सेलुलर डिफेंस की टेक्निक आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करते हैं निमेटोड से प्लांट को बचाने के लिए. एग्रीकल्चर के अंदर हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हिरुडीन.
hirudin gene. The second example is hirudin. Hirudin is a chemically synthesized gene. हिरुडीन एक केमिकली सिंथेसाइज जीन है जो हमने बनाया है. लेकिन आप जानते हैं हिरुडीन क्या होता है. हिरुडीन जो लीच के अंदर ये प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लोटिंग प्रिवेंट करता है, यानी ये ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है. ये कहां पे यूज होता है, क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग को रोकता है. यानी ब्लड का आप जानते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है वो थिकनिंग होनी उसकी शुरू हो जाती है, यानी उसका कोग्यूलेशन हो जाता है. तो ब्लड का कोग्यूलेशन ना हो इससे बचने के लिए हम एंटी कोग्यूलेंट का यूज करते हैं. तो हिरुडीन यहां पर किसका वर्क कर रहा है, एंटी कोग्यूलेंट का, यानी ये ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करेगा. ये चीज कब काम आती है, जब आप ब्लड के सैंपल देते हैं और उसकी टेस्टिंग होती है, या कई बार हम ब्लड डोनेट करते हैं तो डोनेट करने पर ब्लड बैंक में रखा होता है, ब्लड बैंक में हम रखते हैं ब्लड को, तो वहां पर ये एंटी कोग्यूलेंट यूज करते हैं. इसमें हिपेरिन भी आता है और यहां पर हिरुडीन को भी हम यूज कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में इस हिरुडीन जीन को जो हमने केमिकली सिंथेसाइज किया था इसको एक प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और उस प्लांट का नाम है ब्रेसिका नेपस. हिरुडीन जीन जब ब्रेसिका नेपस में इंट्रोड्यूस होगा तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. कौन से प्रोसेस से होगा, आप जानते हैं दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. और इस प्रोसेस से एट लास्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हिरुडीन बन जाएगा. और ये हिरुडीन इस प्लांट के सीड में जाकर अक्यूमुलेट हो जाएगा. सीड में अक्यूमुलेट होने के बाद जब सीड से हम उसका ऑयल निकालेंगे तो ऑयल के अंदर से हम इस प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं. इस तरीके से हम केमिकली सिंथेसाइज्ड हिरुडीन प्रोटीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से निकाल सकते हैं. तो ये अनदर एग्जांपल है जिसमें हमने एक प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, उसके अंदर अदर जीन को इंट्रोड्यूस किया, वो जीन था हिरुडीन, और हिरुडीन जीन से हमने हिरुडीन प्रोटीन का प्रोडक्शन किया जो कि ब्लड क्लोटिंग के प्रिवेंट में, या जिसे हम कहते हैं एंटी कोग्यूलेंट की तरह वो वर्क करेगा. यहाँ पे एक और एग्जांपल एग्रीकल्चर के अंदर हम देंगे जो इसमें यूज है, दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो. फ्लेवर सेवर टोमेटो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो हैं जिनमें एक ट्रांस जीन प्रेजेंट होता है, एंड दैट जीन प्रिवेंट और डिले द राइपनिंग प्रोसेस. फ्रूट्स को लंबे समय तक या हम लॉन्ग टाइम तक जब उन्हें फ्रेश रखना चाहते हैं, यानी ओवर राइपनिंग उसकी ना हो, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं. टोमेटो के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही वो फार्म से मार्केट में आते हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और वो ओवर राइप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है. तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो यूज कर रहे हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है फ्लेवर सेवर टोमेटो. और ये किस तरीके से वर्क करते हैं इसकी प्रोसेसिंग आप इसके अंदर देखिए. पूरी प्रोसेसिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रूट जो होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेक्टिन की. जब फ्रूट राइप होगा तो इस पेक्टिन का डिसोल्यूशन होना बहुत जरूरी है. तो सभी फ्रूट्स के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीगैलेक्टुरोनेज, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग प्रोसेस.
शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पीजी भी बोलते हैं, ओलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम। और ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है राइटनिंग प्रोसेस के लिए। अगर हम इस पीजी जीन को इनहेबिट कर दें तो टोमेटो के अंदर क्या होगा, राइटनिंग का प्रोसेस थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगा, इनहेबिट हो जाएगा और आपके टोमेटोज जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे, टाइट बने रहेंगे, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू किससे बनी हुई है, उसकी टाइटनेस से। तो ये ओवर राइटनिंग हमारे यहाँ ना हो तो इसके लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है किसको, टोमेटो को। और इसके अंदर हम ये प्रोसेस जो है किस तरीके से यूज करेंगे ये आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, टोमेटो से पीजी यानी पॉलीगैलेक्टुरोनेज जीन को सेपरेट किया है, आइसोलेट किया है। आइसोलेट करने के बाद पीजी जीन के अंदर हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किया। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा एंड मैसेंजर आरएनए में हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जिससे सीडीएनए का फॉर्मेशन होगा। सीडीएनए आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, ये सीडीएनए यहां पर बन जाएगा। अब इस जीन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट के अंदर, यानी कौन सा प्लांट, जो आपका टोमेटो प्लांट है उसके अंदर हमने इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी उसके अंदर अब सीडीएनए आ चुका है। अब नॉर्मल प्रोसेस जो होगा प्लांट का उसमें क्या होगा, पीजी जीन बनेगा, पीजी जीन जो क्या करेगा पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम को बनाएगा। तो जैसे ही ये जीन एक्सप्रेशन देगा अपना, इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा एंड मैसेंजर आरएनए बनेगा। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है राइटनिंग का, जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये एक सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए होता है, लेकिन ऑलरेडी ये प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, सीडीएनए। ये सीडीएनए यहां पर आकर बाइंड हो जाएगा, सीडीएनए बाइंड होकर इसको क्या कर देगा, डबल स्ट्रैंड बना देगा, यानी जो मैसेंजर आरएनए है वो साइलेंस हो जाएगा। साइलेंस होने का मतलब है कि अब वो प्रोटीन यानी एंजाइम, पीजी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, पीजी एंजाइम इज नॉट फॉर्म्ड एंड डीले, दिस विल डीले द राइटनिंग प्रोसेस। तो इससे हम टोमेटो की जो क्रॉप्स है उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। दोबारा से ये प्रोसेस फिर समझ लीजिए कि हमने टोमेटो के पीजी जीन को सेपरेट किया और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करके सीडीएनए बनाया। इस सीडीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टोमेटो प्लांट के अंदर। नॉर्मली टोमेटो प्लांट के अंदर जब प्रोसेस होगा राइटनिंग का तो पीजी जीन एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से वो बनाएगा मैसेंजर आरएनए, लेकिन मैसेंजर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यहां पर प्रेजेंट है, वो इससे बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद ये डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा जिससे कि साइलेंस हो जाएगा जीन और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, टोमेटो ओवरराइट नहीं होंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी।